वाओ 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 वाओ। जी हाँ दोस्तों, हम केवल वाओ बोल सकते हैं जो कल रात एफसी गोवा ने किया उसके लिए। जी हाँ दोस्तों, एफसी गोवा ने जो रात ड्रॉ खेला, मतलब यार क्या शानदार ड्रॉ था यार। दिल से बोलता हूँ, ये वीडियो एकदम दिल से बना रहा हूँ। अल रियान जैसी टीम जिसमें एक प्लेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो पूरे एफसी गोवा की मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, ऐसी टीम के खिलाफ ड्रॉ खेलना एक ह्यूज अचीवमेंट है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त हमने गेम खेला रात, और जो हमारे फोर फॉरेनर प्लेयर्स थे उन्होंने तो बिल्कुल अपना 200% दिया, और जो हमारे इंडियन प्लेयर्स थे उन्होंने भी यार कुछ कमी नहीं छोड़ी कल परफॉर्मेंस देने में। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था भाई, एकदम मज़ा आ गया देखकर, और ऐसा लग रहा था कि हाँ अब हम कह सकते हैं कि ISL एकदम ग्रो कर रहा है और बेहतरीन लेवल पे ग्रो कर रहा है यार। मतलब मज़ा आ गया, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है रात वाले मैच के लिए। मतलब UAE वाला मैच देखकर जो 6-0 से हम हारे, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार अब इंडियन फुटबॉल में कुछ है ही नहीं हमारे लिए, तो अब हम बहुत पीछे चले गए, फिर से 10-20 साल लगेंगे इम्प्रूवमेंट में। लेकिन यार अब लग रहा है कि हाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और इस इम्प्रूवमेंट में सबसे बड़ा जो की रोल निभाने वाला वो ISL निभाएगा। और भाई आपने एक कहावत सुनी होगी कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, तो यार ये टाइम हमारे हथौड़ा मारने का है, क्योंकि अगर ये एकदम बेस्ट टाइम है कि हम ISL को देखना स्टार्ट करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ़ैन बेस क्रिएट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ बात करिए फुटबॉल के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल से जुड़े, और स्पेशली इंडियन फुटबॉल से जुड़े। क्योंकि यार हम जानते हैं कि हम बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो कि UEFA चैम्पियंस लीग, ला लीगा, प्रीमियर लीग देखते हैं, लेकिन इंडियन फुटबॉल को फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे क्वालिटी फुटबॉल नहीं है, यहाँ पे कम्पिटिटिव फुटबॉल नहीं है। हम केवल इंडिया के अंदर जो ISL की टीम्स हैं, ISL जो क्लब्स हैं वो केवल आपस में कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन बाहर अगर हम पूरे एशियन क्लब्स की बात करें, टॉप एशियन क्लब्स साइड जो है अल रियान जैसी, उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। तो भाई कल रात हमने बहुत कुछ साबित करा है कि यार हमारे क्लब्स भी बहुत ही बेस्ट हैं, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे हमारे फ्यूचर में हमारे लिए कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और भाई यार प्लीज़ यार हेल्प करो फैन बेस तैयार करने में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही टाइम है जब हम इंडियन फुटबॉल को आगे निकाल सकते हैं। और भाई केवल हम ही नहीं, मैं कुछ दिनों से न्यूज़ में देख रहा हूँ ट्रांसफ़र न्यूज़ जो इस वक्त मार्केट में चल रही है वो भी काफ़ी यार एकदम बेहतरीन ट्रांसफ़र न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्योंकि हमारे जो क्लब्स हैं वो बहुत बड़े बड़े मार्केट वैल्यू वाले प्लेयर्स में इंटरेस्टेड है। मतलब कल रात ही एक न्यूज़ आ रही थी, मुझे प्लेयर का तो नाम मैं भूल गया, ला लीगा का ही प्लेयर है वो, उसके ऊपर इंटरेस्टेड है मुंबई सिटी FC। तो सोचो यार, जो प्लेयर करंटली ला लीगा क्लब में खेल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर मुंबई सिटी FC इंटरेस्ट दिखा रही है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ला लीगा को आप सब जानते हैं कि स्पेन की टॉप डिवीज़न लीग है वो, और अगर वहाँ के प्लेयर इंडियन सुपर लीग में आपको खेलते हुए नज़र आते हैं किसी भी क्लब की तरफ से, तो यार ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और भाई यार सोचो, अगर FC गोवा इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, अगर बेंगलुरु FC या फिर मुंबई सिटी FC जैसे क्लब्स कल रात AFC चैम्पियंस लीग में होते, अगर FC गोवा की जगह, तो हो सकता था कि इससे भी अच्छा रिजल्ट आ सकता था। और एक जो कल यार बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक करी रेफरी ने, वो हैंड बॉल थी, उसके अल रियान के एक प्लेयर के हैंड में बॉल लग गई थी, उसके बावजूद भी हमें पेनल्टी नहीं मिली, तो एक बहुत ही बेकार रेफरी था, पता नहीं कौन था यार वो। मतलब कल रात यार हम जीते पड़े थे, अगर हम उस पेनल्टी हमें मिल जाती और हम गोल मार देते तो 1-0 से हम वो मैच जीत भी लेते, तो यार बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग था वो मोमेंट। और मैं तो यार मतलब क्या ही बताऊँ कि कल यार बहुत अच्छी जीत हासिल कर सकते थे हम, लेकिन यार नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट मैच के लिए प्रिपेयर करेंगे। और भाई FC गोवा ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, और दूसरी तरफ AFC कप में तो आग ही लगा दी है कल, बेंगलुरु FC ने 5-0 से हरा दिया नेपाल आर्मी करके क्लब है उनका, नेपाल का, तो बढ़िया मैच खेला यार, बढ़िया डोमिनेटिंग मैच दिखाया। और मैं यार एक बात और आपसे कह सकता हूँ कि बेंगलुरु FC AFC कप के अंदर ना आपको पूरे सीजन में ही डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी, ऐसा नहीं है कि वो
कोई छोटी साइड थी इसलिए हम अच्छे से मैच जीत गए। लेकिन यार बेंगलुरु एफसी यार बहुत ही अच्छी टीम है और आपको पता है कि रनर अप भी रह चुकी है बेंगलुरु एफसी एएफसी कप की, और इस बार भी आप बेंगलुरु एफसी से उम्मीद कर सकते हैं कि वो एएफसी कप जीते। हाँ जी हाँ दोस्तों, आप एएफसी कप जीतने की उम्मीद लगा सकते हैं बेंगलुरु एफसी से, क्योंकि यार बेंगलुरु एफसी जो है ना वो सातवें आसमान पे इस वक्त, और बेंगलुरु एफसी यार बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लब है और इस बार के आईएसएल में भी आपको वो इस बात का सबूत दे देंगे कि वो कितने ज़बरदस्त क्लब है। और यार मैं बेंगलुरु एफसी को बहुत सालों से फॉलो करता हूँ, मेरा तो खैर फेवरेट क्लब है ही। और यार मेरा ना एक कहना हो रहा है कि भाई यार प्लीज़ एफसी गोवा को ना यार इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे हर जगह फॉलो कर लो यार, क्योंकि यार एक न्यूज़ और मैं आपको बता देता हूँ। मन तो कर रहा है कि गालियों के साथ स्वागत करूँ मैं उसका, लेकिन मन गाली दे नहीं सकता यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो, मतलब बहुत कम लोग तो देखते हैं खैर, लेकिन कुछ छोटे बच्चे भी देखते हैं, इसलिए मैं इन सब चीज़ों पर जाना नहीं चाहता। परसीपोली एफसी जो क्लब है जिसके साथ मैच होने वाला है एएफसी चैंपियंस लीग में आगे एफसी गोवा का, उसने अपने ट्विटर सॉरी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली, उसमें उसने बताया कि भाई इंडिया को हमने जैसे 18वीं सदी में इंडिया पर हमने कब्जा कर लिया था, हम मैच जीत गए थे इंडिया से हम युद्ध में जीत गए थे, ऐसी हमको जो है इंडिया को फुटबॉल के मैदान में हराना है। तो भाई उसने इतनी बड़ी इंसल्ट करी परसीपोली एफसी ने, ठीक है अपनी औकात दिखाई ईरानियों ने, ठीक है। अब मैं ईरान का भी थोड़ा इतिहास बता देता हूँ कि ईरान जो है ना भाई, अभी ईरान के ऊपर अमेरिका ने बैन लगाया हुआ है क्योंकि वो जो है एटम बॉम्ब का टेस्ट करना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या है कि चोरी छुपके परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान, ठीक है। उसने अपनी मतलब एक एटमिक लैब भी बना रखी है अंडरग्राउंड, जो कि काफ़ी सीक्रेट है, लेकिन पूरी दुनिया को पता चल गया क्योंकि इसराइल ने इसकी पोल खोल दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने इसके ऊपर बैन लगा दिया कि कोई भी देश इस ईरान से वो नहीं लेगा तेल, तो इसकी इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, ठीक है। ये अभी की बात है, ये करंट में भी बैन वो लागू है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो अमेरिका ने बोल दिया कि जो भी देश ईरान से तेल लेगा हम उसका तेल निकाल देंगे, बावजूद इसके इंडिया ने जो है उससे तेल लेना जारी रखा। इंडिया ने साफ साफ बोल दिया अमेरिका को कि हम तेल लेंगे क्योंकि हमारा ये जो है बहुत पुराना रिश्ता है और हम बहुत पहले से ही तेल ले तैयार हैं, तो अगर आपको बैन लगाना है तो आप बैन लगाओ, लेकिन हम जो है हम अपने जो रिलेशन है ईरान के साथ नहीं ख़राब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया ने सपोर्ट करा ईरान को, लेकिन कल परसों जो उसके क्लब जिसकी कोई औकात नहीं है, ठीक है, ऐसे दिखा रहा जैसे पहनचो कितने क्लब वर्ल्ड कप जीत के बैठा हुआ है और पता नहीं कितने एफसी चैंपियंस लीग को जीत के बैठी है परसीपोली एफसी, ठीक है। वो तो पता चल जाएगा खैर एफसी गोवा वाला मैच जो होगा उसमें कि कितनी स्ट्रॉन्ग साइड और जितने मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा है वो कि वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्लब है और पता नहीं क्या, ठीक है, उसको पता चल जाएगा, कहने का मेरा मतलब ये है, ठीक है। तो मतलब इतना एटीट्यूड है ना और इतना ज़्यादा इंसल्ट कर रहा है वो हमारे देश के, उसका जो वो है मैनेजर उसको वो बोल रहा है कि हमें इंडिया में जो है दो ट्रेनिंग सेशन नहीं मिल रहे, फलाना नहीं मिल रहा, ढिकना नहीं मिल रहा। अब यार पागल वागल है क्या यार। मैं ना मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि परसीपोली के इंस्टाग्राम हैंडल पर आप जाना और वहाँ जाके जितनी गालियाँ आती हैं ना सब कमेंट्स में लिख देना, जो भी टॉप पोस्ट जो भी उन्होंने रिसेंट में भी पोस्ट करी हो, ठीक है, उनको यार दिखाने को से यार हमारा देश में ना ये दिक्कत है, हम लोग ना ट्रेंड वो करवा देंगे जो ट्रेंड नहीं करवाना है। अभी कल परसों स्विगी ने कुछ रोहित शर्मा के बारे में बोल दिया मीम में, और वो भी उन्होंने फनी वे में बेला, वो मस मजाक कर रहे थे, उन्होंने रोहित शर्मा के ऊपर एक मीम बना दी, उसको पता नहीं क्या बड़ा पाओ ऐसी कुछ बोल दिया। उसके बाद हमारे जो देश के जनता है ना उस जनता ने क्या करा कि बायकॉट स्विगी का ट्रेंड चला दिया ट्विटर पर, मतलब ऐसी चूतिया चीज़ों के लिए ट्रेंड बना दोगे तुम लोग, ठीक है। उन जो रियल चीज़ हमारे देश के इंसल्ट कर दी एक क्लब ने, एक छोटे से क्लब ने जिसकी कोई औकात नहीं है, ठीक है, उसने हमारे देश के हमारे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की इंसल्ट मार दी, उसके लिए कोई ट्रेंड नहीं, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए ट्रेंड है, ठीक है। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है यार कि उसके इंस्टाग्राम हैंडल पे जाना, ठीक है, और भैया
फॉलो मत कर लेना, क्योंकि हमारे देश में ना कुछ लोग चूतियाँ ऐसे चूतियाँ हैं कि जाके उसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है भाई, फॉलो मत करना, जाके उसकी रीसेंट पोस्ट देखना जो अभी उसने करी है, और वहाँ जाके कमेंट्स में केवल गालियाँ ही लिखनी है, और कुछ मत लिख देना कि फ्रेंडशिप पर ढकलाना। यार मुझे ना ये सब बकचोदी बिल्कुल ही पसंद नहीं है, सच बता रहा हूँ, है ना। और यार उसको उसकी औकात दिखाने, कहने का मेरा मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भाई अब सिकुआ को मेरी तरफ से फुल सपोर्ट। और मैंने तो उसके इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, हर जगह उसको फॉलो कर रखा है। मैं ट्विटर नहीं चलाता, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैंने दोनों जगह उसके पेज को लाइक करा है, और इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो भी कर रखा। प्लीज़ भाई आप भी कर लेना, क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट कर रही है AFC चैम्पियंस लीग में, और बेंगलुरु FC को भी भाई कर लेना, क्योंकि वो भी हमें रिप्रेजेंट कर रही है। और दोनों ही क्लब ने कल रात बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया, उसके लिए हम सबको उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और हम सबको देनी चाहिए। और थैंक यू दोस्तों, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है इंडियन फुटबॉल के लिए। अगर आज हम उनको सपोर्ट करेंगे ना, तो कल वो हमको बिल्कुल डेफिनेटली रिजल्ट निकाल के देंगे। तो यही एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है भाई, प्लीज़ जाके फॉलो करो यार, इंडियन फुटबॉल को फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख ली और चले जाओ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं भी वीडियो बनाता रहूँगा, और क्योंकि मैं चाहता हूँ यार इंडियन फुटबॉल के लिए फैन बेस तैयार करना। तो भाई आज की वीडियो के लिए चलो इतना ही, ओके बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।